नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश और बिहार लौटने का वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, फिर भी हमने मजदूरों की मदद की। राहुल गांधी ने करीब 4 मिनट 21 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के देश के अलग अलग राज्यों से यूपी बिहार लौटने से जुड़ी खबरें हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि जब लाखों मजदूर भाई बहन देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार यूपी की ओर भूखे प्यासे पैदल चलने पर मजबूर हो गए, तब मोदी नीतीश सरकार ने ये शर्मनाक बर्बरता की। कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, फिर भी हमने इस अत्याचार के खिलाफ मजदूर भाइयों की मदद की, यही सच है। वीडियो में एक महिला को रोते हुए दिखाया गया है, जो अपने पति की मौत के बाद अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रास्ते में वो परेशानी झेल रही थी। वीडियो में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पैदल जाने को मजबूर हैं और उन्हें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वीडियो में रोजगार का मामला भी उठाया गया है। आखिर में नीतीश कुमार को ये बोलते हुए दिखाया गया है कि लोगों को ये समझाया गया था कि आपको जहां है वहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही बिहार सरकार ने छात्रों को वापस लाने से इनकार कर दिया था, उसे लेकर भी इसमें बताया गया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के मद्देनज़र राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल अपनी चुनावी सभाओं में बिहार के सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को बिहार के कटिहार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश और मोदी को वोट देकर आप लोगों ने गलती की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां के किसान खुशहाल हैं, क्योंकि वहां उनके अनाज का उचित मूल्य मिलता है। सच्चाई छुपती नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश ढीले ढाले दिखने लगे हैं, सुस्त हो गए हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो आपके लिए मक्के धान के लिए प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे, जिससे किसानों को फसल की सही कीमत मिलने से उन्हें बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।